पूर्व किराए पर लाई गई कार को लूट कर ले जाने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस टीम ने लूटी गई कार सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लूट का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने लुटेरों के पास से 2 देसी तमंचे सहित 4 कारतूस भी बरामद किए हैं। 10 दिन पहले हुई कार लूट के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। 10 दिन पहले झांसी जनपद से विवाह समारोह के दौरान 3 अज्ञात युवकों ने 9.5 लाख कीमत की फोर्ड एस्पायर कार को किराए पर बुक कराकर हरपालपुर जनपद ले गए और रास्ते में महोबकंठ थाना क्षेत्र काशीपुरा गांव के पास एकांत में तीनों बदमाशों ने ड्राइवर को बंधक बना लिया और बंदूकों की बटों से मारपीट कर वहीं फेंक दिया और कार को लूट कर फरार हो गए। पुलिस कार लूट के आरोपियों की तलाश कर रही थी। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि महोबकंठ थाना क्षेत्र के दुलारा तिराहे पर लूटी हुई कार खड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और आरोपियों का घेराव कर लिया। पुलिस को देखकर आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तीनों आरोपियों को धर दबोचा, लेकिन मुख्य आरोपी आशीष भागने में कामयाब हो गया। आशीष के ऊपर कई मुकदमे पहले से ही दर्ज है। वहीं पकड़े गए तीनों आरोपी रविराज राजपूत, महेश राजपूत और आनंद का भी पुराना आपराधिक इतिहास है। ये 3 लोगों ने एक फोर्ड एक्सपायर गाड़ी झांसी से बुक कराया था हरपालपुर, जो MP में पड़ता है, वहाँ पे जाने के लिए। उस जब ये हरपालपुर के पास पहुँच गए तो उसके बाद ये लोग ड्राइवर से बोले कि हमें महोबकंठ की तरफ जाना है, तो 500 मीटर लगभग महोबकंठ क्षेत्र में आए थे और उसके बाद इन्होंने ड्राइवर को तमंचे के बट से मारा और गाड़ी को छीन ले गए। इस संबंध में थाना महोबकंठ पे 394 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और जो कुछ क्लू मिले थे, क्लू यह था कि इन्होंने जब गाड़ी बुक कराई थी तो फर्जी आधार कार्ड और अपने मोबाइल नंबर दिए थे, तो इस बेसिस पे हमने वर्कआउट किया आगे और गाड़ी बरामद हुई है। और जो 3 लोग पकड़े गए हैं उनके नाम है रवि, आनंद और महेश, ये 3 जिला हमीरपुर के रहने वाले हैं। अभी जो एक आशीष है जो कि इस घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो अभी फरार है, उसको भी जल्द हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। सभी आरोपी हमीरपुर जनपद के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस टीम की कामयाबी पर SP अनीश अहमद अंसारी ने 5,000 रुपए का इनाम भी दिया है। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।